कहा जाता है कि गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत होता है। कुछ ऐसा ही किया खानपुर थाना क्षेत्र के एक पिता ने। पुत्री के साथ कोर्ट मैरिज करने वाले सिपाही के साथ ही अपनी पुत्री की गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस ने पांचों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज, जुर्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज। आखिर में खानपुर डबल मर्डर केस का गाजीपुर के एसपी ने किया पर्दाफाश। इस क्राइम का पिता ने ही करवाया था अपनी पुत्री की हत्या एवं प्रेमिका की हत्या। 2018 में युगल जोड़ों ने किया था कोर्ट मैरिज, इसी कारण परिवार वालों को नागवार था। आप देखे ये वीडियो। गुरुवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने अभियुक्त को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डबल मर्डर का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में 22 फरवरी की सुबह सड़क के किनारे क्षेत्र के बबनोली कला गांव निवासी अमेठी जिले के गौरीगंज थाना में सिपाही के पद पर तैनात अजय यादव को घायला अवस्था में देखा गया था। उसके सिर में गोली लगी थी, उसके एक हाथ में पिस्तौल था और दूसरा हाथ पैर के पास पड़ा था। मृतक के पैर में चप्पल नहीं थी। बाद में घायल सिपाही की मौत बताई गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी थी। इस घटना के दूसरे दिन इसी गांव से सटे इंचवल गांव निवासी राजेश सिंह के मकान के पीछे खेत में एक युवती का शव मिला था, जिससे गोली मारी गई थी। जनपद गाजीपुर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 तारीख को प्रातःकालीन थाना खानपुर के अंतर्गत रमापुर ग्राम समाज स्कूल के पास एक अजय यादव नवयुवक जो बवनौली कला के निवासी थे, गोली उनके सर में लगी हुई थी। उनके पास से दो पिस्टल्स मिली थी और उनकी सांसें चल रही थी। उनको तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया और उनके परिजनों को सूचना दी। उसके बाद बनारस सैदपुर से बनारस ट्रॉमा सेंटर उनको रेफर किया गया, जहां पे उनकी मौत हो गई। तहकीकात से, परिजनों से बातचीत से पता चला कि श्री अजय यादव पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे जनपद अमेठी में नियुक्त थे और यहाँ पे अवकाश पे आए हुए थे। उनके परिजनों ने उनके हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध उसी दिन अभियोग पंजीकृत कराया था। इस संदर्भ में मेरे द्वारा सर्विलांस की, स्वाट की, एसीसीटी के नेतृत्व में खानपुर की और सैदपुर की और कासिमाबाद इंस्पेक्टर की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त की गई थी और यहाँ की जो फॉरेंसिक टीम थी उसको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बनारस से एक फॉरेंसिक टीम को ही रेंज महोदय ने भेजा था। जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उससे पता चला कि अजय यादव को प्रातःकाल जब वो घर से निकले थे तो किसी ने कॉल किया था। उस कॉल का डिटेल लिया गया तो पता चला एक पास के ही गांव की इचवल की एक लड़की थी जिसकी कॉल थी और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 2018 में उन्होंने उससे शादी कर ली थी, मैरिज कर ली थी, ऑनलाइन मैरिज रजिस्टर कर ली थी। और तहकीकात की गई तो पता चला कि उसके लड़की के परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़की के पिता राजेश कुमार सिंह ने ऑनलाइन गुमसुदी की शिकायत दर्ज कराई है। इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास के स्थानों पे खोजा गया, कॉम्बिंग भी कराई गई, स्टेशन, रोडवेज आदि इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास के स्थानों पे खोजा गया, कॉम्बिंग भी कराई गई, स्टेशन, रोडवेज आदि स्थानों पे भी देखा गया और जो जहाँ पे वो लड़की रहने वाली थी उनके घर, उनके आसपास भी खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चला। 23 तारीख को प्रातःकालीन लड़की के अपने ही घर से सटे हुए अहाते की दीवार से डेड बॉडी मिली। उनके पिता ने सूचना दी, उस पर मौके पे पुलिस गई। जिस स्थान पे डेड बॉडी मिली थी उस स्थान की पहले
छानबीन की जा चुकी थी, खोजबीन की जा चुकी थी, वहां पर 22 तारीख को कोई अवशेष इस प्रकार का नहीं था। इसका इससे ये पता चला कि डेड बॉडी बाद में 22/23 मॉर्निंग में उसको वहां पे प्लॉट किया गया है। डेड बॉडी जो बालिका की थी वो चादर से लिपटी हुई थी और उसके पास ही मृतक अजय यादव जिनकी 22 तारीख को गोली लगी थी, मृत्यु हुई थी, उनकी चप्पल वहां से बरामद हुई। पूरी टीमों ने तहकीकात किया और जो कॉल डिटेल्स थी, जो SMS थी मृतक अजय यादव के टेलीफोन का, लड़की के टेलीफोन का, उनके परिजनों के टेलीफोन का, सारा इन्वेस्टिगेशन SPCT गाजीपुर के नेतृत्व में किया टीम ने और यह खुलासा किया कि उस लड़की के परिजनों ने ही इनको बुलाया और घर पर जब पहुंचे तो इनको बातचीत करने के बहाने से सुनसान स्थान पर लेकर के गए जहां पे इनको गोली मारी गई और लड़की को भी गोली मारी और उसकी डेड बॉडी घर में ही छिपा दी थी। पुलिस का दबाव देखते हुए डेड बॉडी को ये कहीं भी डिस्पोजल नहीं कर पाए। गुमशुदगी जानबूझकर प्लान के तहत ऑनलाइन रजिस्टर कराई, इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो समस्त खुलासा हुआ। इस प्रकार के संबंधों को इनके लड़की के परिजनों को स्वीकार्य नहीं था और इन लोगों ने लड़की की भी हत्या की और लड़के की भी हत्या की। इस संदर्भ में जो संलिप्त अपराधीगण थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है या अन्य बिंदु है, अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं, इस संदर्भ में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की। इसी क्रम में मृत युवती के पिता राजेश सिंह, अंकित सिंह उर्फ सोनू, दीपक सिंह, अवधराज, नीलम सिंह को गिरफ्तार किया गया। 2 पिस्तौल, 1 कारतूस, 1 जोड़ी चप्पल, मृतक और मृतका का मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद किया गया। पिता राजेश सिंह से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसे डबल मर्डर का राज खोल दिया, जहां उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब 1 माह से यह बात हो रही थी कि मुझे मेरी पत्नी नीलम सिंह और लड़के दीपक सिंह से पता चला कि मेरी लड़की सानिया सिंह और बबनौली निवासी अजय यादव के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों ने 2 वर्ष पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। मैं अपनी लड़की को काफी समझाया बुझाया लेकिन वह नहीं मानी। 15 फरवरी को पता चला कि अजय यादव, जो पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात है, छुट्टी पर घर है, तो मेरा पूरा परिवार बैठकर योजना बनाया। तय हुआ कि लड़के को घर बुलाकर समझा दिया जाएगा, यदि मान गया तो ठीक, वरना जान से मार देंगे। इसके बाद 22 फरवरी को लड़की से मोबाइल से फोन से मैसेज कराया गया कि मिलने आ जाओ। इसी बीच मैंने लड़की को समझाया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। इससे गुस्से में आकर मैंने उसे अवैध असलाह से गोली मार दी। कुछ देर बाद लड़का भी हमारे घर पहुंचा। उसे समझाने की कोशिश की गई लेकिन ऊंची आवाज में बात करने लगा। इस पर तय हुआ कि कहीं एकांत जगह पर चलकर बात करते हैं। हम दोनों द्वारा रामपुर गांव के अंबिका स्कूल के पास पहुंचे और लड़के को पुनः समझाने लगे लेकिन वह नहीं माना। इस पर आवेश पर आकर उससे गोली मार दी। अपने लड़की का मोबाइल जो मेरे पास था, लड़के अजय की जेब में डालने के साथ ही 1 पिस्तौल उसके हाथ में और दूसरा उसके पास रख दिया। सुबह मैंने आसपास में इस बात का शोर मचा दिया कि मेरी लड़की बिना बताए घर से चली गई है। पकड़े जाने से भय से अपनी लड़की के शव को घर के सामने ही बने बरदान के पीछे खेत में फेंक दिया था। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अपराध प्रभारी विश्वनाथ यादव, स्वाट टीम प्रभारी विनीत राय, थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक कृष्णानंद यादव, प्रमोद कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल संजय कुमार पटेल, कांस्टेबल संजय प्रसाद, हेड कांस्टेबल संजय रजावत, हेड कांस्टेबल अमित सिंह, विकास श्रीवास्तव, दिनेश यादव, हेड कांस्टेबल राम भवन, आशुतोष सिंह, चंदन मणि त्रिपाठी, स्वाट टीम सहित अनेकों लोग शामिल थे। गाजीपुर से मोइनुद्दीन सिद्दीकी की एक रिपोर्ट।